याद होगा आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर थ्योरी तो चल ही रहा है, लेकिन यदि इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराते तो बड़ा ही अच्छा होता। तो छात्रों आप लोगों के बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहे हैं। संधारित्र पर आधारित ये प्रश्न है, तो सभी लोग अपने अपने कलम कॉपी लेकर तैयार हो जाइए ताकि हम लोग को, आप सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। और ये सारे ही क्वेश्चन चाहे हम एग्जाम के लिए कहें चाहे कंपटीशन की बात करें, दोनों ही के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो आप समझ रहे होंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, आइदर दैट इज एग्जाम ऑफ इंटरमीडिएट और कंपटीशन। तो चलिए हम लोग अब अपने टॉपिक पर आते हैं। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संधारित्र के धारिता का मात्रक होता है, और इसमें चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है फैराड और चौथा है एम्पियर। तो देखिए इसमें तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ये तो याद करने वाला पॉइंट है कि धारिता का मात्रक फैराड होता है, यानी आपका आंसर हो गया 100 सी फैराड। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिया गया है, इनमें से कौन सी चालक की धारिता का एसआई मात्रक है, और चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कूलाम, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वोल्ट और चौथा है कूलाम पर वोल्ट। तो आखिर कौन सा आंसर सही होगा, हो सकता है कुछ को किसको याद कर लिए हों, लेकिन याद करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। आप लोग कंसेप्ट को समझिए कि आखिर है तो क्यों, साइंस में जब तक आप क्यों का आंसर नहीं जानते तब तक केवल रटने से कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है और क्यों सही है। तो याद कीजिए हम आपको पढ़ाए हैं धारिता, और वहां पर बतलाया गया है कि चालक की धारिता सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी। तो भाई यदि हम लोग मात्रक की बात करें तो आप समझ रहे होंगे यहाँ क्यू आवेश है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और यहां भी का मतलब विभव है और विभव का मात्रक भी आप लोग जानते हैं वोल्ट। तो यहां पर देखा जाए तो कूलाम पर वोल्ट, यानी इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि धारिता का एसआई मात्रक होता है कूलाम पर वोल्ट। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे दिया गया है कि धारिता का विमीय सूत्र होता है, और यहां पर भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाई आखिर इनमें से कौन सा आंसर सही है, तो केवल विमीय सूत्र रटने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भौतिकी में फिजिक्स में एक फिजिकल क्वांटिटी थोड़े ही है कि आप रट करके उसका आंसर दे देंगे। और ये भी तो कोई जरूरी नहीं है कि वही एग्जाम में आए जो आप याद किए हैं। तो इसके कंसेप्ट को समझिए कि चाहे किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र की बात की जाए आप उसका मान स्वयं निकाल सकें। तो याद होगा या आपको हम पढ़ा चुके हैं कि धारिता C इज इक्वल टू होता है Q बाई वी, और यदि आगे बढ़ा जाए तो हम लोग कह सकते हैं Q के जगह Q
और भी बराबर आपको पढ़ाए हैं डब्लू बटा में क्यू। तो भाई क्यू नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर जाएगा तो क्यू इंटू क्यू, और नीचे क्या बच गया डब्लू। और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप समझ रहे होंगे कि क्यू स्क्वायर बाई डब्लू। चलिए अब हम लोग बीमा लिखते हैं। तो भाई आवेश Q का मतलब यहाँ आवेश है, और आवेश के लिए लिखा जाता है आई टी, कहीं कहीं ए टी भी लिखते हैं, लेकिन ऑप्शन में यहाँ आई लेकर चला है तो आई टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और नीचे W है, W का मतलब वर्क यानी कार्य, और याद कीजिए कार्य का विमीय सूत्र तो आप लोग को याद होना ही चाहिए, पढ़ाया गया है m टू दी पावर 1, l टू दी पावर 2, t टू दी पावर माइनस 2। तो भाई ऊपर स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि i स्क्वायर t स्क्वायर, और नीचे तो पहले से दिख रहा है कि m टू दी पावर 1, l टू दी पावर 2, t टू दी पावर माइनस 2। तो जब इसको हल किया जाए तो जब m टू दी पावर 1 को नीचे से हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि इज इक्वल टू m टू दी पावर माइनस 1। अच्छा l टू दी पावर 2 भी नीचे है तो जब ऊपर ले जाएंगे तो l टू दी पावर माइनस 2, t टू दी पावर नीचे माइनस है तो जब ऊपर जाएगा तो प्लस, और यहाँ पर तो प्लस 2 पहले से है तो प्लस 2 और प्लस 2 यानी टी टू दी पावर 4, और ये पहले से है आई टू दी पावर 2 आई स्क्वायर। तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं एम टू दी पावर माइनस 1, एल टू दी पावर माइनस 2, टी टू दी पावर 4 और आई स्क्वायर, यानी आंसर हो गया बी बॉब। चलिए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे दिया गया है कि एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, और यहाँ पर भी चार ऑप्शन बनाए गए हैं। पहला है प्लेट के प्रकृति पर, दूसरा है प्लेट के आवेश पर, तीसरा है प्लेट के आकार पर, और चौथा है प्लेट के बीच अंतराल पर। तो आखिर कौन सा आंसर सही है? बार बार बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट लेना आपकी समस्या का समाधान नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए कि क्वेश्चन घुमा फिरा करके भी पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें, तभी सफलता मिल सकती है, वरना ऐसे तो सफलता मिलने वाली नहीं है। तो चलिए देखा जाए, तो आप जानते हैं यहाँ प्लेट के बीच माध्यम की प्रकृति, प्लेट के प्रकृति का कहने का मतलब वही है। तो आप जानते हैं कि धारिता सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी। वह याद होगा धारिता में दो प्लेट होते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के समानांतर एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। आपको बताया गया है कि एक प्लेट पर धन आवेश होता है जबकि दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पर देखा जाए और यदि इसके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है, देख रहे हैं, जिसकी आपेक्षिक विद्युत चेलता एप्सिलॉन आर है, तो आपको सूत्र याद होना ही चाहिए कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी। तो भाई यहाँ एप्सिलॉन आर का मतलब हो गया माध्यम की प्रकृति, यानी प्लेट के बीच माध्यम की प्रकृति पर तो ये निर्भर है। चलिए आकार की बात हम लोग करें, तो यहाँ ए का मतलब एरिया, और एरिया यदि आकार छोटा है तो एरिया कम होगा, और जब आकार बड़ा है तो एरिया बड़ा होगा, यानी जो सी धारिता है वह इसके आकार पर भी निर्भर है। चलिए प्लेट के बीच अंतराल का मतलब हो गया डी, भाई डी का मतलब हो गया दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर ये दूरी आप देख रहे हैं सी पर निर्भर है, तो कुल मिला जुला कर कह सकते हैं कि धारिता
इनके बीच की दूरी पर क्या है निर्भर है? तो भाई प्लेट की प्रकृति पर भी निर्भर है, आकार पर भी निर्भर है, और इनके बीच अंतराल पर भी निर्भर है। तो किस पर निर्भर नहीं है? तो प्लेट के आवेश पर। यानी आपका आंसर हो गया बी, बॉ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है यदि प्लेट का क्षेत्रफल घटा दिया जाए। दूसरा है प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए। तीसरा है प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि भाई यदि हम लोग समानांतर पट संधारित्र की बात करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की जाए, तो इनके बीच की दूरी के लिए होता है डी। एरिया को हम लोग दिखाते हैं ए से। और यदि कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर मान लेते हैं, तो सूत्र आपको याद होगा कि सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी। तो भाई यहाँ ध्यान दिया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि धारिता बढ़ रही है। क्वेश्चन में देख रहे हैं तो धारिता के बढ़ने के लिए क्षेत्रफल घटा दिया जाए। भाई पहला ऑप्शन है क्षेत्रफल घटा दिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि सी और ए में क्या संबंध है? तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, समानुपाती हैं। और समानुपाती का मतलब हो गया कि जब क्षेत्रफल घटेगा तो धारिता भी घटेगी। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल तो घटाया जा रहा है जबकि धारिता के बढ़ने की बात की जा रही है, तो ये तो संभव नहीं है क्योंकि समानुपाती हैं। तो जब ये क्षेत्रफल घटेगा तो धारिता भी घटेगी, और जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी। तो भाई ये तो संभव नहीं है, यानी पहला आंसर नहीं होगा। दूरी बढ़ा दिया जाए, प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए, दूसरा ऑप्शन। तो दूरी बढ़ाने का मतलब डी बढ़ेगा तो धारिता क्या होगी? घटेगी। तो भाई यहाँ पर धारिता के बढ़ने की बात कर रहा है जबकि सी और डी व्युत्क्रमानुपाती हैं। और व्युत्क्रमानुपाती ये बतलाता है कि जब दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी। तो यहाँ जब दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटनी चाहिए जबकि क्वेश्चन धारिता के बढ़ने की बात कर रहा है। तो भाई ये भी संभव नहीं है। चलिए तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए। तो अब तो आप समझ रहे हैं कि सी, देख चुके हैं कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इसका मतलब हो गया कि जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी। तो यहाँ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी क्या होगी? बढ़ाई जा सकती है, यानी बढ़ेगी। तो आंसर हो गया 100, प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि जब किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो इसकी धारिता, यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, बढ़ जाती है, घट जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि यदि हम लोग एक सूत्र की बात करें तो C इज इक्वल टू होता है एप्साइलिन नॉट एप्साइलिन आर इंटू ए बाई डी। तो भाई कह रहा है कि दूरी बढ़ाई जाती है, यानी दूरी का मतलब ये डिस्टेंस। तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी सी की बात कर रहा है। तो सी और डी में जरा संबंध तो देखिए, ये ऊपर जबकि डी नीचे, यानी सी व्युत्क्रमानुपाती है डी के। और व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ तो आप समझ रहे होंगे कि भाई जब एक मान बढ़ता है तो दूसरा वाला घटता है। तो यहाँ पर जब दूरी बढ़ाई जा रही है इसका मतलब हो गया कि ये बढ़ेगा, और जब डी बढ़ेगा तो आप समझ चुके हैं कि सी क्या होगा? घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या होगी? घटेगी, यानी आंसर हो गया ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यदि किसी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो संधारित्र की धारिता आधी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो
तो भाई यदि ध्यान दिया जाए तो सूत्र साधार में हम बोलते हैं कि याद होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक धारिता C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू ए बाई डी, और अब कह रहा है कि दूरी दोगुनी कर दी जाए तो दूरी बदलने से धारिता बदलेगी। मान लिया जाए धारिता नई वाली धारिता C डैश हो जाए तो लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू ए, लेकिन दूरी बदल चुकी है दोगुनी, पहले d है तो अब क्या होगा 2d, और यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1 बटा 2 को जब बाहर निकाल दिया जाए तो 1 बटा 2 को हम लोग बाहर निकाल दिए तो भाई यहां क्या बचा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू ए बाई डी, और देखिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू ए बाई डी इसको तो शुरू में सी माना गया है तो इसके स्थान पर भी लिख देंगे सी, यानी यहां से रिजल्ट क्या मिला इधर सी डैश है तो हम लोग कह सकते हैं कि सी डैश इज इक्वल टू 1/2 और इसके स्थान पर सी, यानी आपने देखा कि जो नई वाली धारिता है वह पहले वाली धारिता की आधी हो जाएगी, 1/2 का मतलब आधा, यानी आंसर हो गया पहला। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिया गया है कि एक धात्विक गोली की धारिता 1 माइक्रोफैराड है तो इसकी त्रिज्या होगी, यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 9 किलोमीटर, दूसरा है 10 मीटर, तीसरा है 1.1 मीटर और चौथा है 1.1 किलोमीटर। तो भाई कौन सा आंसर सही होगा, तो बार बार आपको हम समझा रहे हैं कि रटना नहीं है, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर द साइंस बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइंस। जब कॉन्सेप्ट समझने लगेंगे तो स्वयं अपने आप आंसर आप निकालने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं धारिता का मान दिया है 1 माइक्रोफैराड और गोली की धारिता है, और याद कीजिए गोली की धारिता हम पढ़ाए हैं कि निर्वात या हवा है तो 4πε0 × r। तो यहाँ पर C का मान तो दे ही दिया है 1 माइक्रोफैराड, तो कहा जा सकता है इधर से जब 4πε0 को उधर भेजेंगे तो r इज इक्वल टू C और इधर गुणा में है तो उधर भाग में हो जाएगा, यानी π 1/4πε0। चलिए मान रखा जाए तो 1 माइक्रोफैराड को जब फैराड में बदलेंगे तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं, और आपको पता है 1/4πε0 इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁹। तो भाई मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 × 10⁵, आप जानते हैं गुणा में पावर को जोड़ा जाता है तो −6 + 9 यानी बचेगा +3 मीटर, लेकिन जब इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो लिख सकते हैं कि 9 × 1000 मीटर, और आप जानते हैं 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी यहां से आएगा 9 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो गया पहला 9 किलोमीटर। तो ये था धारिता पर आधारित कुछ है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अंत में आपको इतना जरूर कहना चाहेंगे कि सारी थ्योरी को आप पढ़ रहे हैं, एक अलग तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है जिसमें सारी घटनाओं को हम दिखाते हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराने की बात की जाए तो वो भी आप देख रहे हैं कि नए प्रोसेस के साथ आपको सिखाया जा रहा है। तो जितना हो सके इन सारे ही वीडियोज को आप शेयर करते रहिए ताकि सभी लोगों को इस पढ़ाई का फायदा मिलता रहे। थैंक्स।